चलो अच्छा दीदी बैडमिंटन क्लास का टाइम हो रहा है। बट हमें मैच पढ़ना है अभी। किससे? पापा से। हैं? वो तो मूवीज में चले जाते हैं बाला 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 और वो बच्चों की चॉकलेट खाते हैं और वो बहुत देर लगाते हैं। पर हमें एलसीएम पढ़ना है। एलसीएम? वो तो मैं भी बता दूंगी। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। It's actually least common multiple and it is a method to find the smallest common multiple between any two numbers or more. So, Agni, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 और 6 का least common multiple क्या होता है तो तुम बता सकते हो? हाँ। Okay, so बताओ। तो 5 और 6, तो 5 multiply, divide हो सकता है 30 से और 6 भी हो सकता है 30 से, तो 30 है। Yes, you're right. Wow, Agni को पता है, मेरे को तो उसकी age पे नहीं पता था, but... जैसे कि हर्षा और अवनी ने बताया एलसीएम के बारे में, काफ़ी कुछ बता दिया और मेरा मजाक भी उड़ा के गए। तो जैसे उसने बाला बाला कहा ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक्चुअली क्या मैं क्या कर सकता हूँ जब मेरे को फार्मूलाज ही ऐसे मिल जाते हैं। अब ये जो एल दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें ही एलसीएम और जीसीएफ का फार्मूला है। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ये पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, दो नंबर लेता हूँ 12 और 30। हम इसके फैक्टर्स एलसीएम क्या होता है, हम इसके फैक्टर्स तब तक निकालेंगे जब तक हम प्राइम नंबर्स तक ना पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो 12 और 30 लिखा है मैंने, ये देखिए मैंने लैडर मेथड एल कर लिया। 12 और 30 इवन नंबर है, इवन नंबर दो से होता है, ये वाला तो तीन से भी होगा, हम दोनों से करके देखते हैं आंसर सेम होगा। पहले हम दो से करते हैं, तो 2 6 12, 2 15 30, फिर मैंने एल बनाया, ये 3 में चलता है, हाँ 3 2 6, 3 5 15, 2 और 5 प्राइम नंबर्स हैं और 3 2 1 प्राइम नंबर है। अब मैंने ये देखिए एल एल बाला वाला मजाक तो उड़ा लिया, पर देखिए ये बाला कितना काम में आ रहा है। ये देखिए मैंने एल बना रहा हूँ, ये मैंने एल बनाया और इस एल के अंदर जितने नंबर्स हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने 2 3 1 2 5, इनको लंबा कर लेता हूँ मैं वापस से, इतना लंबा करके वापस से लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू 60 इज़ दी एलसीएम। नाउ अब और बाला का मजाक नहीं उड़ाना, मैं वापस से आपको दूसरा बताता हूँ। अगर मैंने 2 की जगह 3 से लिया होता 12 को और 30 को तो भी आंसर सेम आता। लेट मी मेक 12 एंड 30 3, ये मैंने बना दिया, 3 4 12, 3 10 30, 2 2 4, 2 5 10, ये प्राइम नंबर हो गए तो ये 1 1, दे कैन ओनली मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका हो गया, हमने लिया था 3 into 2 into 1 into 2 into 5, सेम आंसर 60। अब अगर L लिया है तो LCM हुआ है, स्ट्रेट लाइन ली है तो GCF, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन जैसे आपको दिख रही है 3 into 2 into 1 6 इज द HCF। एक ही झटके में आपने GCF, HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने एक ही झटके में सीख लिया। अभी यही तरीके से मैं आपको सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस बता देता हूँ और मतलब ये बहुत ही इजी हो जाएगा। सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस वेरी डिफिकल्ट वन, वो भी सिखा देता हूँ क्योंकि मेरे को 3 मिनट के अंदर सिखाना है, मेरी डॉटर ने कहा है तो मेरे को सिखाना ही पड़ा। और यही जो मैंने बाला में आपको बताया था कि अगर स्ट्रेट है तो HCF है, अगर आप पूरा ले रहे हो तो आपका बन जाता है LCM। और ये बंद अगर मैं कर देता हूँ तो ये 2/5 है ना, ऊपर क्या था 12 और 30, 12/30 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। आप देख रहे हो कैसे कितना सिंपल था, एक ही एल एक ही बाला ने कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपको, एलसीएम एचसीएफ और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सब बता दिया। सो सी यू। मैथ अंकल मेक्स मैथ इजी, स्टार्ट मल्टीप्लाई एंड स्टार्ट लर्निंग। Math Uncle makes math easy.